अब तक आपने फिल्मों में चोर के पीछे पुलिस को भागते हुए देखा था, लेकिन दिल्ली की सड़क में बुधवार की सुबह ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला जिसमें आगे तीन बदमाश और उनके पीछे बहादुर पुलिस वाला हाथ में पिस्टल लेकर भागते दिख रहा है। दिल्ली पुलिस की साउथ डिस्ट्रिक्ट के मालवीय नगर थाना इलाके का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीन बदमाश भागते हुए नजर आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस का एक जवान उनका पीछा कर रहा है, जिसमें दक्षिण दिल्ली पुलिस के मालवीय नगर थाने के एक कांस्टेबल ने बहादुरी से लुटेरों के गैंग के एक बदमाश को पिस्टल दिखाकर दबोच लिया। दरअसल दिल्ली के मालवीय नगर थाने की पुलिस ने दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों की गिरफ्तारी से पहले का सुबह सुबह का एक सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें पुलिस कांस्टेबल ब्रिजेश पिस्टल लेकर बदमाशों के पीछे भागता दिख रहा है और उसके आगे तीन लुटेरे भाग रहे हैं। गुरुवार सुबह करीब 4 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस को एक ऑटो ड्राइवर किशन मुरारी ने जानकारी दी थी कि वो डिफेंस कॉलोनी में एक पैसेंजर को छोड़कर आ रहा था, तब कृषि विहार BRT कॉरिडोर के पास उसे तीन लड़कों ने हाथ दिया और APJ स्कूल ड्रॉप करने की बात कही। ऑटो ड्राइवर मान गया और जब वो तीनों लड़कों को लेकर APJ स्कूल के पास पहुंचा तो लड़कों ने अचानक चाकू निकाल लिए और उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद कांस्टेबल ब्रिजेश शिकायतकर्ता के साथ झुगी कैंप में रेत डालने पहुंचे, जहां शिकायतकर्ता ने एक अंधेरे कोने में खड़े बदमाशों को पहचान लिया। पकड़े जाने के डर से बदमाश भागने लगे, जिसके बाद कांस्टेबल ब्रिजेश ने बदमाशों का पीछा कर एक बदमाश पंकज उर्फ काकू को धर दबोचा, जिसकी पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। उसके बाद पकड़े गए बदमाश की निशानदेही पर उसके साथी विवेक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लुटेरों के पास से लुटा हुआ मोबाइल और रकम बरामद हुई है। सनसनी ऑफ इंडिया के लिए विजय कुमार दिवाकर की रिपोर्ट। अगर आप क्राइम वीडियो देखने के शौकीन हैं और अपने आसपास होने वाले क्राइम से अपडेट रहना चाहते हो तो तुरंत हमारे सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।